नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने कोडिंग और डिकोडिंग को फिनिश कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन टेस्ट। क्या पढ़ेंगे आज हम? दिशा परीक्षण, ये स्टार्ट करेंगे। इसे क्या बोलते हैं हम? डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं इसे। डायरेक्शन टेस्ट में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो कैसे पूछेगा? इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी एक बिंदु या किसी एक दिशा से यात्रा करना स्टार्ट करना है और अलग अलग दिशाओं से होगे अलग अलग दूरियां तय करके एक दूसरे बिंदु पे पहुंचना है। तो प्रारंभिक स्थान से, जैसे यहां पे कोई एक स्थान है, यहां से हम क्या कर रहे हैं? अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और अलग अलग दिशाओं से होके अलग अलग दूरियां तय करके एक दूसरे पॉइंट तक हमें पहुंचना होता है। तो यहां से यहां तक जो हमने दूरी तय की है, घूम फिर के जो भी है, ठीक है, जो दूरी तय की है, तो लास्ट में आपसे पूछेगा कि या तो ये पूछ लेगा कि आपने कितनी दूरी तय की है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि अभी आप किस दिशा में हो, किस दिशा की ओर आपका मुंह है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन टेस्ट से। तो डायरेक्शन टेस्ट जो होता है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीजों का आना जरूरी है, कुछ चीजों का जानना जरूरी है। तो वो चीजें मैं आपको बताता हूं, वो चीजें क्या होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं वो देखिए। सबसे पहली बात यह है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि दिशाएं होती क्या हैं और कितनी होती हैं। तो आप जानते हो कि दिशाएं वो होती हैं चार। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चार दिशाएं होती हैं। पूर्व होती है वो जिससे सूरज निकलता है, जैसे अगर इधर से सूरज निकल रहा है तो ये पूर्व दिशा होगी, और जहां सूरज अस्त होता है, जैसे पीछे की साइड में अस्त हो रहा है, तो पीछे वाली जो दिशा है हमारी वो होगी पश्चिम। तो जहां से सूरज निकलता है उसे बोलते हैं पूर्व, और जहां पे अस्त होता है उसे बोलते हैं हम पश्चिम। जो हमारे लेफ्ट हैंड की दिशा है, यहां पे पूर्व है तो यहां हमारी होगी उत्तर दिशा, और राइट हैंड की जो दिशा है वो होती है हमारी दक्षिण दिशा। तो ये चार दिशाएं होती हैं, ये आप सभी को पता है। यहां पे उन दिशाओं को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, कैसे पढ़ना है, देखिए यहां पे पूर्व कहां होता है, पश्चिम कहां होता है, वो हमें जानना जरूरी है। क्योंकि वैसे तो हमको पता है कि जहां से सूरज निकलता है वही पूरब होती है, लेकिन यहां पे पूरब कौन सी है ये हमें पता होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे आपकी जो पूरब दिशा है वो होती है ये वाली, इस वाली दिशा को बोलते हैं हम पूरब दिशा। ये वाली जो दिशा होगी वो होती है आपकी पश्चिम दिशा, ये वाली होती है आपकी उत्तर दिशा, और ये होती है आपकी दक्षिण दिशा। ये चार दिशाएं होती हैं, इसे बोलते हैं हम ईस्ट, इसे बोलते हैं हम वेस्ट, इसे बोलते हैं हम नॉर्थ, इसे बोलते हैं हम साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चार दिशाएं होती हैं हमारी। इनकी चार सब दिशाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखिए तो चार इनकी जो सब दिशाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताता हूं यहां पे। देखिए ये पूर्व होती है और ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनके अलावा सब दिशाएं होती हैं हमारी, ये होगी हमारी कौन सी,
दक्षिण पूरब, ये वाली जो दिशा है वो होगी हमारी दक्षिण पश्चिम, ये होगी हमारी उत्तर पूर्व और ये होगी हमारी उत्तर पश्चिम। तो ये चार हमारी क्या होती हैं, सब दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। इनको आप ऐसे भी बोल सकते हो, पूर्व उत्तर या पश्चिम उत्तर, पश्चिम दक्षिण या पूर्व दक्षिण, आप जैसे चाहो वैसे बोल सकते हो, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, जैसे आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो यहां पे चार मेन दिशाएं होती हैं और चार इनकी सब दिशाएं होती हैं। ये हमारी क्या होती हैं? दिशाएं। इनके अलावा जो चीजें पढ़नी होती हैं वो होती हैं हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जब भी हम कोई यात्रा तय करते हैं या फिर यात्रा हम करते हैं तो हमारे पास दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए, वो होती है हमारी लेफ्ट और राइट, जिसे बोलते हैं हम दाएं और बाएं। इन्हीं दो की मदद से हम अपनी पूरी यात्रा कर लेते हैं, चाहे हमें कहीं भी जाना हो। देखिए, चाहे आप कहीं जा रहे हो, हमें दाएं और बाएं का ज्ञान है तो हम कहीं से भी और कहीं तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पे दाएं की। दाएं को ही बोलते हैं हम दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। इसी को बोलते हैं हम राइट, इसी को बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, और इसी को बोलते हैं हम घड़ी की सुई की दिशा। ये अलग अलग नाम होते हैं लेकिन इनका मतलब एक ही होता है। देखिए कैसे हो, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, देखिए एक क्लॉक बना रहा हूं उस जगह पे, इस जगह पे ये 12 होता है, ये 6 होता है, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, यही होते हैं इस तरीके से। ये हमारी क्या है? क्लॉक है। अगर हम देखिए, थोड़ा गोल नहीं है, इसको देख लेना आप, ठीक है? तो यहां से जब हम ऐसे चलते हैं, ये जो है, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज है, क्योंकि घड़ी की सुई हमेशा ऐसे चलती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? दाएं बोलते हैं, दाएं या फिर क्लॉकवाइज, ठीक है? इसी को क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसी को दाएं बोलते हैं, इसी को राइट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है? तो यहां पे जब भी हम किसी भी दिशा में चल रहे हो और अगर हमें राइट मुड़ना हो तो हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ेंगे। देखिए कैसे, यहां पे मैंने क्या किया है, इस तरीके से एक फिगर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं? पूरब दिशा में चल रहे हैं, तो हमारा मुंह किधर है? पूरब की ओर है। अगर हमें राइट मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, तो हम कैसे मुड़ेंगे? ये पूरब है, दाएं मुड़ेंगे तो ऐसे मुड़ेंगे, मतलब यहां से और यहां आ जाओगे आप। तो जब आप दाएं मुड़ोगे तो आपका जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो आप चलते हुए जब दाएं मुड़ते हो तो 90 डिग्री का कोण बना के क्या करते हैं? हम मुड़ते हैं। ऐसे यहां से जब यहां मुड़ोगे तो भी 90 डिग्री का कोण होगा, और यहां से जब यहां मुड़ोगे तो भी 90 डिग्री का कोण होगा, इस तरीके से। तो जब भी हम राइट मुड़ते हैं तो 90 डिग्री का कोण बना के मुड़ते हैं। अब बात करते हैं हम बाएं की।
इसे बोलते हैं हम वामावर्त। क्या बोलते हैं? वामावर्त बोलते हैं। देखिए किसकी बात करने वाले हैं अब हम, वामावर्त। इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट, इसी को बोलते हैं हम बाएं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या होता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हम चलते हैं। कैसे? यहां पे मैं फिर से एक क्लॉक बना रहा हूं, इस तरीके से। तो विपरीत दिशा क्या होती है घड़ी की सुई की, ये वाली। इसी को हम बोलते हैं बाएं, ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब भी हम चल रहे हैं और बाएं मुड़ना है तो भी हम 90 डिग्री का कोण बना के ही मुड़ते हैं। कैसे? पूरब दिशा से जब बाएं मुड़ेंगे तो हम उत्तर दिशा की ओर होंगे, यहां से यहां पे कोण बनेगा 90 डिग्री का। उत्तर से जब पश्चिम करोगे तो भी आपका 90 डिग्री का रहेगा और मुंह आपका इधर हो जाएगा। कैसे? इधर है, इधर से ऐसे होना। यहां से यहां आओगे तो भी आपका 90 डिग्री रहेगा और यहां से यहां आओगे तो भी 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम लेफ्ट या राइट मुड़ते हैं, दाएं या बाएं, तो 90 डिग्री का कोण बना के मुड़ते हैं। तो ये चीजें आपको समझ आ गई, दाएं क्या होता है, बाएं क्या होता है। देखिए जैसे हम पूरब दिशा में चले 5 किलोमीटर, ठीक है, अब हम अगर राइट मुड़ना चाहते हैं तो किधर मुड़ेंगे, तो घड़ी की सुई की दिशा में क्या होती है, देखिए जब देखेंगे तो ऊपर 4 होती है और नीचे 6 होती है, राइट। तो घड़ी की सुई कहां चलेगी भाई, 4 की तरफ चलेगी या 6 की तरफ चलेगी, 5 के बाद 6 की तरफ, तो आप कहां मुड़ोगे, नीचे की तरफ मुड़ोगे। कहां मुड़ोगे, नीचे की तरफ, राइट। अगर आप बाएं मुड़ना चाहते हो तो कहां मुड़ोगे, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम मुड़ सकते हैं। क्या करना है, नंबरिंग आपको लिख लेनी है, भाई 5 किलोमीटर चल रही है, उसके बाद आपको किधर मुड़ना है, लेफ्ट। अगर लेफ्ट मुड़ रहे हो तो कम की तरफ चलोगे आप, और राइट मुड़ रहे हो तो ज्यादा की तरफ। कम चलेंगे तो यहां पे इधर आएंगे हम बैक, और ज्यादा चल रहे हैं हम तो राइट की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ी अलग चीजों की, वो क्या होता है। देखिए अब हम बात करने वाले हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोणों का निर्धारण हम कैसे करते हैं। देखिए यहां पे क्या होता है, अब ये आप जानते ही हो कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। अगर आप बात कर रहे हो क्लॉकवाइज की, यहां पे किसकी बात कर रहे हो, क्लॉकवाइज की हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा। तो यहां पे हम कोणों की बात करें तो यहां पे आपका होगा 0 डिग्री, और यहां से आप यहां आओगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और यहां से जब घूम के यहां आओगे तो ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है आपका 270 डिग्री।
फिर आप यहां से घूम के यहीं आ जाओगे तो ये होगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, तो जब आप यहां से राइट डायरेक्शन में चल रहे हो मतलब बाईं ओर चल रहे हो तो यहां पे कैसे आओगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री। यहां पे कितने कोण होते हैं, यहां पे ये बनता है आपका 45 का, ऐसे यहां पे भी 45 का, इन सभी जगह पे आपका किसका बनेगा, 45 डिग्री का ही कोण बनता है। देखिए अगर मैं कहूं कि आपको उत्तर दिशा से दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री चलना है, कितना चलना है, 135 डिग्री दिशा में, ठीक है, घूमना है, और घूमने के बाद आपका मुंह कहां होगा, किस दिशा में होगा, तो यहां से 0 डिग्री से चलना स्टार्ट करेंगे, यहां से जब आप यहां तक चलोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में कितना और मिला है कि 135 हो जाए, तो जब इसमें हम 45 और मिला देंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 135, मतलब हम यहां पे होंगे इस दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे, तो ये हमारी दिशा कौन सी होती है, ये होती है हमारी दक्षिण पूरब, तो हमारा मुंह किधर होगा, दक्षिण पूरब दिशा में होगा। ऐसे ही यहां पे बात करें हम बाएं की, या फिर इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉक वाइज, यहां पे भी सेम होता है, क्या ये आपके होते हैं 45 के सब, सब कितने के होते हैं, ये 45 के होते हैं। यहां पे हम उल्टा घूमते हैं, ये था घड़ी की सुई की दिशा में और ये होगा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे क्या होगा आपका 0 डिग्री, यहां पे क्या होगा आपका 90 डिग्री, यहां पे क्या होगा 180 डिग्री, यहां पे क्या होगा 270 डिग्री, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री। इस तरीके से इसमें हम इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। अगर यहां पे आपसे कहें कि उत्तर दिशा में बाईं ओर चलना है, बाईं ओर 135 डिग्री चलना है, तो आप कहां पे होगे, इस जगह पे होगे भाई, यहां से यहां तक 90 डिग्री, उसमें जब 45 मिलाएंगे तो क्या होगा आपका 135, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस दिशा में होंगे, ये कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज और ये होता है हमारा क्लॉकवाइज। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को पढ़ते हैं। देखिए कभी कभी, अब यहां पे हम बात करेंगे थोड़ी अलग बात की, आगे की चीज पढ़ते हैं। यहां पे देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी यात्रा कर रहे होते हैं, जैसे मैंने उत्तर दिशा से 5 किलोमीटर की दूरी तय की दक्षिण की ओर चल के, ठीक है, तो 5 किलोमीटर चल लिए आप यहां से यहां तक, राइट। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि भाई यहां तक 5 किलोमीटर चले, उसके बाद हम पूरब की ओर 3 किलोमीटर चले, कितना किलोमीटर चल रही है, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। अब यहां पे जो है पूरब दिशा में 3 किलोमीटर तक जो आ चुके हो और यहां से चलना प्रारंभ किया था, तो पहले बिंदु से और लास्ट का बिंदु जो है इसके और इसके बीच की आपसे दूरी पूछता है, तो इस तरीके की दूरी को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। वो तो आपने पढ़ाई होगा पाइथागोरस प्रमेय, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं वो क्या कहता है। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो कहती है, पाइथागोरस प्रमेय,
इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये त्रिभुज बन जाता है। इसमें आपका कर्ण होता है ये वाला, लंब होता है ये वाला, और आधार होता है आपका ये वाला। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम इस तरीके के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई, इसको देखिए कैसे करते हैं। कर्ण का स्क्वायर, अब हम यहां पे कर्ण का स्क्वायर यहां पे पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां पे लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। लंब कितना दे रखा है आपका, लंब दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर। टोटल आपका कितना होगा, ये होगा 25 और ये होगा आपका 9। अब ये होगा आपका 36 और यहां से निकल के आएगा कर्ण बराबर आपका 6। तो यहां पे जो पहले स्थान से और लास्ट का स्थान जो है, इसके बीच की न्यूनतम जो दूरी है वो है आपकी 6 किलोमीटर। तो इस तरीके के सवालों को हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से करते हैं। दोस्तों आज के लिए मैंने इतना बताया है कि डायरेक्शन जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें किन किन चीजों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उससे हम डायरेक्शन के टैप्स सीखेंगे कि डायरेक्शन से किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।